बेटा नैना और निमिषा, मैं तुम दोनों के लिए ना बहुत ही सुंदर ड्रेस लेके आई हूँ। ये है बेटा निमिषा तुम्हारे लिए और ये नैना तुम्हारे लिए। अच्छी है। पसंद आई तुम्हें? हाँ मम्मी। अरे बेटा दरवाजे पर जरा देख कर आओ कौन आया है। ठीक है मम्मी, मैं देख कर आती हूँ। हाँ जाओ। अरे वाह बहन, तुम और अचानक बिना बताए कैसे आना हुआ? अरे अपने बहन के घर आई हूँ, कोई सौतन के घर थोड़ी ना आई हूँ। अच्छा चलो, अच्छा है तुम आ गई। अच्छा चलो तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। अरे बेटा निमिषा, तुम एक काम करो, तुम ही जाके मौसी के लिए पानी ले आओ। जाओ ठीक है, जल्दी जाओ। और बहन तुम्हारे घर पे सब कैसी है? सब बढ़िया है। चलो अच्छा है, भगवान का शुक्र है कि सब अच्छे है। और बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है आपके? सब बढ़िया चल रही है। सब अच्छा चल रहा है। हाँ। चलो तुम यहीं बैठो आराम करो, जब तक मैं किचन में कुछ काम करके आती हूँ। ठीक है, ठीक है। बहुत दूर से आई हो, थकी आ रही होगी। हाँ आराम करो बेटा, मौसी को आराम करने दो, तुम भी पढ़ाई करो अपनी, जाओ जाके। ठीक है मम्मा। ठीक है। हाँ चलो। मेरी दोनों बेटियों को मैगी खाना है। हाँ। अरे बेटा किचन में कद्दू की सब्जी रखी है, कद्दू पूड़ी बनाए थे मैंने, तुम्हें वो खा लो। नहीं। तो शाम को मैंने तुम्हारे लिए भिंडी की सब्जी बनाई थी, वो बच रही है, वो खा लो। नहीं। अरे यार तुम्हें मैगी खाना है। हाँ। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए मैगी बना दूंगी, लेकिन तुम्हें ना एक घंटे तक कंटिन्यू स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है। करोगे स्टडी? हाँ। ठीक है तो जाओ जल्दी स्टडी करो, और मैं तुम्हारे लिए अभी झट से मैगी बना के लेके आती हूँ। ठीक है। जाओ। बाय मम्मा। मैगी बनने तो मैंने रख दी, अब मैं जब तक बाहर के काम कर लेती हूँ, कपड़े वगैरह धो के डाल देती हूँ, तब तक मैगी बन जाएंगी, फिर इसको मैं बच्चियों को दे दूंगी। मेरी बहन ने तो मुझसे चाय की तक नहीं पूछी, मेरा तो कोई आदर ही नहीं किया उसने मैं आई तब। वाओ कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, जरूर बहन कुछ किचन में बना रही है। ये तो मैगी की खुशबू है, जरूर मैगी बन रही है, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा, चलकर देख कर आती हूँ। अभी तो मैगी बनी रही है, थोड़ी देर में उबल जाएंगी, फिर खाऊंगी बढ़िया मजे से। अभी तो बहन भी नहीं है किचन में, जल्दी से खूब सारी पेट भरकर मैगी खा लेती हूँ, मज़ा आ जाएगा। कितना अच्छा मौका है खाने का, बहन नहीं है अभी, चलकर खा लेती हूँ थोड़ी सी। कर रही है जब तक मैगी लेकर चली जाती हूँ पीछे खाने, नहीं तो वो बहुत कम देगी मुझे।
बड़ी है जगह, यहाँ पे मुझे कोई देख भी नहीं पाएगा, जल्दी जल्दी से मैगी फिनिश कर देती हूँ। गॉड, मैंने तो कितना बड़ा पैकेट बनाया था मैगी का, 20 रुपए वाला, हाँ, और इतनी सी मैगी रह गई, इतनी कम, क्या हो गया मैगी को? मैंने तो बहुत सारी मैगी बनाई थी, पता नहीं क्या हो गया। अब यही देखे आती हूँ बच्चियों को। बेटा नैना ने मीशा जल्दी इधर आओ, तुम्हारी मैगी रेडी है। हाँ मम्मा। ये लो, जाओ खा लो बेटा, बैठ के जाओ बेटा, खा लो अब मैगी। मम्मी ये तो बहुत कम है। अरे बेटा पता नहीं, मैंने तो बहुत सारी बनाई थी मैगी, पता नहीं शायद टूट गई होंगी, उबल गई होंगी ज्यादा, अब इसी से काम चला लो बेटा, ठीक है? नहीं मम्मा, हमको और चाहिए। अरे बेटा पता नहीं ना, मैंने कह दिया ना, अब अगली बार खा लेना और, ठीक है? नहीं मम्मा अभी। हाँ हाँ, आप तो अगली बार खा लेना और, ठीक है? जाओ जाओ जाओ। पता नहीं क्या हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे तो। आओ मजा आ गया आज तो। अरे बहन तुम यहाँ पर बैठी हुई हो, मैंने तुम्हें सब जगह ढूंढ लिया, बच्चों के लिए मैगी बनाई थी, तुम्हारे लिए भी ले आऊँ क्या? नहीं अभी मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है? अच्छा ठीक है, जब तुम्हारा मन हो तब बोल देना, मैं तुमको खाना दे दूंगी। ठीक है चलो मैं चलती हूँ। दिन ब दिन मौसी का लालच बहुत ही बढ़ गया और वह घर की बहुत सारी चीजें उठाकर खाने लगी। फल फ्रूट तो मैंने बहुत खा लिए, अब तो मेरा कुछ चिरपिरा मन खाने को मन कर रहा है। इन डिब्बों में देखती हूँ कहीं कुछ खाने को मिल जाए। वाओ ये क्या है, कुछ इनमें देखती हूँ। वाओ कितने टेस्टी हैं। इनको खाकर देखते हैं क्या है। चलो अब रख देती हूँ, बहन ना आ जाए। अरे वाह यहाँ पे तो मूंगफली भी रखी है, जल्दी से एक दो चटका लेती हूँ। वाह कितने स्वादिष्ट हैं। वाह मजा आ गया बहन के यहाँ खा, कितना सारा सामान खा लिया मैंने, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा घर जाने को, यहाँ कितना अच्छा लगता है और कितनी खाने की चीजें रखी हैं यहाँ पे। कुछ दिन और रुक जाती हूँ मैं, फिर घर जाऊंगी, मेरा खर्चा भी बच जाएगा और बहुत सारी चीजें भी चुरा ले जाऊंगी। बेटा तुम्हारी टीचर ने तुम्हें बहुत होमवर्क दे दिया आज तो। हाँ। चलो मैं तुम दोनों को रिवाइज करवा देती हूँ। हाँ? ओके मम्मा। चलो पहले हम पहाड़े से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। 4 × 4 4 × 4 2 × 8 4 × 2 = 8 अरे बच्चों देखो तुम्हारी नानी आई। मम्मी आप अचानक से कैसे आना हुआ? बस ऐसे ही आ गई घूमने के लिए। अच्छा चलिए, अच्छा हुआ आप आ गई, मुझे ना आपकी बहुत याद आ रही थी, अच्छा किया आपने आ गई। और घर पे सब बढ़िया? सब बढ़िया। अच्छा और बेटा निमिषा, हाँ? तुम जाओ वो नानी के लिए चाय बना कर लेके आओ। जाओ कम चक्कर वाली लाना बेटा। हाँ हाँ कम चक्कर वाली लाना। और क्या, मेरी बहन मेरा तो कभी आदर सम्मान नहीं करती, अपनी मम्मी को देखो कैसे कर रही है। मैं उनको कैसे चाय के लिए पूछ रही है, मेरे लिए तो कभी चाय के तक ना पूछी।
और घर पे कामकाज कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा सब। और पापा का कामकाज सब कुछ भगवान की कृपा से चल रहा है। बहुत अच्छे से। बस मैं तो बच्चों को पढ़ाने में लगी रहती हूँ और खाना बनाती रहती हूँ। अच्छी है, अच्छी बात है, ये अच्छा काम है। हाँ और क्या काम है? अच्छा मम्मी जी, आज आपके लिए खाने में क्या बना दूँ? खीर बस कुछ ऐसा ही बना दो, हल्का फुल्का दाल चावल बस। अरे मम्मी कुछ पकवान वगैरह खा लो, खीर पूरी। नहीं नहीं कुछ नहीं खाती, मुझे पसंद नहीं है। तो आपके लिए गाजर रखी हुई है, गाजर का हलवा बना दूँ? नहीं मेरे लिए दाल रोटी या दाल चावल ही चाहिए, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं चाहिए, ये लीजिए चाय। देखो थैंक यू बेटा। चलिए तो आज के नाश्ते में आपके लिए दाल रोटी बनवा दे। ठीक है, तो मैं आपके लिए आज दाल रोटी बना दूंगी। A few moments later. अरे बेटा नैना ने मीसा इधर आना, आना बेटा, आओ 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 बेटा, देखो तुम्हारे लिए मैं क्या लेकर आई, चॉकलेट। और इसे है ना, तुम दोनों बहने बराबर से मिल करके खा लेना, बांट लेना दोनों। हाँ ठीक है, और लड़ना नहीं बिल्कुल भी। ठीक है मैं चलती हूँ। हाँ चॉकलेट है, नानी ने मेरी फेवरेट चॉकलेट दी है। मैं लूंगी। चलो मैं ऐसा कर देती हूँ, मैं करती हूँ। अरे तुम दोनों लड़ो मत, ला मैं हिस्सा कर देती हूँ, ला मुझे दो। तुम दोनों अपनी अपनी आंख बंद करो, मैं जो चॉकलेट को तुम दोनों को आधी आधी कर देती हूँ। ठीक है आंख बंद करो। ये लो बेटा, तुम दोनों ना दो दो चॉकलेट खा लो और बाकी बची खुची अपन कल खाएंगे, नहीं तो तुम्हारा पेट दर्द करने लगेगा। ठीक है ठीक है, खा लो तुम दोनों जी, इनको अब मैं रख देती हूँ। ठीक है वाह, आज तुम मजा आ गया, कितनी सारी चॉकलेट आ गई, इन सबको मैं अपने बच्चों के लिए ले जाऊंगी। वाह कितनी सारी चॉकलेट हैं। मैंने तो तुम्हें चॉकलेटों का पूरा डिब्बा पैकेट दिया था। हमारी मौसी ने ना हिस्सा कर दिया था, तो हमारी मौसी ने ये बोला कहना आपके डाढ़ सड़ जाएंगी, इस लाने आप दो दो चॉकलेट ले लो। अच्छा ये बोला मौसी ने? हाँ ठीक है, तुम जाओ बेटा। ठीक है हाँ। जाओ, मुझे कुछ पता लगाना ही पड़ेगा, आखिर ये सब क्या गड़बड़ चल रही है, मुझे कुछ सोचना ही पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा। लगता है मैं इस घर में ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाऊंगी, इसलिए अपनी बहन की कुछ साड़ियाँ ले जाती हूँ और जल्दी से 9:00-11:00 हो जाती हूँ। ये भी बहुत अच्छी है, ये दोनों, ये भी कितनी अच्छी साड़ी है, ये तीनों साड़ियाँ ले जाती हूँ मैं अपने साथ, जल्दी से 9:00-11:00 हो जाती हूँ मैं। अरे बेटा क्या हुआ? तुम यहाँ बैठी हो, इसको लग रही हो तुमने देखा नहीं, घर में तुम्हारे बहन है ना, वो कपड़े चुरा कर ले जा रही है तुम्हारे। अरे नहीं नहीं मेरी बहन ऐसा नहीं कर सकती, आप झूठ बोल रही हो। मैंने आंखों से देखा है, वो बहुत शरारती है, बहुत गंदी बहन है, वो कर ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकता ऐसा। मैंने अपनी उसको आंखों से देखा है, अब इसी आंखों से देखा है। आप सच कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ एकदम। अरे नहीं मम्मी जी, मेरी बहन ऐसा कर ही नहीं सकती है। कर सकती है, वो बहुत लालची है और बहुत ही बुक्कड़ है, वो बहुत गंदी है, वो तुम्हारी बहन, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं सच कह रही हूँ। अगर मम्मी ऐसा नहीं हुआ ना तो मैं अपने आप को माफ नहीं करूंगी। हाँ देख लेना। चलो देखते हैं चल के। चलो देखो बेटा, ये तुम्हारी बहन, ये तुम्हारी बहन के काम है, ये वो कपड़े चुरा रही है, देखा ना। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बहन, अभी के अभी तुम निकल जाओ मेरे घर से, मुझे नहीं रखना तुम्हें। देखा मम्मी जी, ये जिस थाली में खा रही है ये उसी में छेद कर रही है। इसने इतनी लालची है, ये निकल जा मेरे घर से।
नहीं रखना मुझे तुझ जैसी बहन को। हाँ तूने कभी ये भी नहीं सोचा कि अपनी बहन के साथ ऐसा क्यों करूं? हैं? तुझे शर्म नहीं आई? थोड़ी बहुत इज्जत है कि नहीं तेरे पास? हाँ लालची कहेंगे। बहन मुझे माफ कर दो बहन, प्लीज बहन मुझे माफ कर दो। अब मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करूंगी, मुझे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं कभी चोरी नहीं करूंगी। बहन मुझे माफ कर दो बहन, प्लीज बहन मुझे माफ कर दो। अब मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो बहन, प्लीज बहन मुझे माफ कर दो। बेटा जो हुआ हुआ, वो तुम्हारी छोटी बहन है तो उसे माफ कर दो। मैं नहीं करूंगी उसे माफ। अरे तो बहनी है तुम्हारी, कोई बात नहीं, गलती सबसे हो जाती है, माफ कर दो उसको। ठीक है, इस बार तो मैं इसे माफ़ कर देती हूँ, और तुम अब आगे से कभी ऐसी गलती मत करना। सब इंसान गलतियाँ करते हैं, तुमने भी गलती की, मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ, लेकिन अब आगे से कभी मत करना। हाँ। और कभी भी तुम चोरी मत करना, लालच मत करना। लालच बुरी बला। और कि जितना मिल जाए इंसान को उसी में खुश रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, समझे ना। चलो अब तुम कर लो अपने काम, और ये साड़ियाँ अलमारी में रख दो, ठीक है? अब टेंशन मत लेना, और आगे से ऐसे काम कभी मत करना बिल्कुल भी, ठीक है? ठीक है बेटा। कभी भी कोई चोरी नहीं करूंगी आगे से, कभी भी चोरी नहीं करूंगी, चोरी बहुत बुरी चीज होती है।